खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का रविवार को नई ब्रॉडगेज लाइन पर महू सनावद अकोला गेज कन्वर्जन कार्य के लिए सांसद द्वारा रेल बजट में लगभग 900 करोड़ स्वीकृत कराकर गेज परिवर्तन कार्य में गति लाने के लिए तथा शहर वासियों की सुविधाओं को देखते हुए रामेश्वर पुलिया मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए रामेश्वर पुलिया के बाजू से दूसरी पुलिया में रोड को गहरा कर आनंद नगर और चिड़िया मैदान की ओर अप्रोच रोड निकालने के लिए सांसद की सक्रियता के लिए सम्मानित किया। याद रहे कि रविवार को सांसद की उपस्थिति में नगर निगम का फायर ब्रिगेड एवं स्कूल बस रामेश्वर पुलिया में से निकाली गई। सांसद ने उपस्थित जनमंच सदस्यों को बताया कि जनमंच की मांग अनुरूप नागपुर भुसावल सुपर फास्ट ट्रेन पुनः चालू करने के लिए तथा विभिन्न ट्रेनों के खंडवा जंक्शन पर स्टॉपेज के लिए भी प्रयासरत हैं। आज जो रामेश्वर पुलिया पर करीबन 4-5 दिन से एक बहुत बड़ा शहरवासियों के लिए टेंशन बना हुआ था कि यहाँ से एम्बुलेंस पास नहीं हो पा रही, स्कूल की बस पास नहीं हो रही है और खुदा ना खास्ता किसी प्रकार की दुर्घटना घटना होती है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी निकलना चाहिए। तो संबंधित रेलवे के अधिकारियों से मैंने मुंबई के अधिकारियों से भी चर्चा करी थी, भुसावल के अधिकारियों से भी चर्चा करी थी और 2 दिन पहले सारे अधिकारी आकर इसका स्थल का निरीक्षण किया और शहर हित में जो अच्छा हो सकता है यहाँ से वो सारे आवागमन की सुविधाएं लोगों को मिले, हमारे महापौर जी हमारे संबंधित सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर आकर अधिकारी के साथ में चर्चा करी। कल मेरी कलेक्टर से भी चर्चा हुई थी कि आप खुद जाकर स्थल का निरीक्षण करें, तो भुसावल से भी कल अधिकारी लोग आए थे और दोनों साइड से उसका आवागमन की सुविधा हो, एक साइड से जहाँ से रामेश्वर पुलिया जहाँ उसको भी नीचे उतारें क्योंकि अब हाइट तो कम हो नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती क्योंकि जो ट्रैक बिछ गया है और ये अभी की तत्काल की नहीं है, पुरानी 10-12 साल 2009 के समय से इसका प्रपोजल बना हुआ था। तो साइड पे जो पुलिया है उस पुलिया के लिए अभी आपने भी देखा होगा कि यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आराम से निकल गई है और यहाँ व्यवस्थित काम हो जाए इसके लिए हम लोगों ने आज निरीक्षण किया है कि इसमें बेहतर सुविधा हो। शहर दो भाग में बटा हुआ है तो दोनों तरफ लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये जो नई जो पुलिया नीचे से बना रहे हैं, देखिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत, क्योंकि ये पानी जो रिकॉर्ड में जो है ये नाला था, यहाँ से पानी बहता था, दिक्कत होगी तो आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो लेकिन दिक्कत नहीं हो उसके लिए हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और विभाग के अधिकारियों भी यहाँ पर आकर निरीक्षण करके गए यहाँ पर कितने पाइप डालकर इसका समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब तेज़ गति के साथ बारिश चलेगी तो पूरे शहर का इधर से आनंद नगर के साइड का पानी इधर से आएगा तो वो अभी कहीं ना कहीं हमको उसका भी देखना पड़ेगा। निराकरण जैसा अभी साथ में हो रहा है इसी के साथ हो जाए तो ज़्यादा, उसी के लिए अधिकारी लोग इसीलिए भेजे कि वहाँ पर किस तरह से बारिश के अंदर दिक्कत नहीं हो, किस तरह से अच्छा समाधान हो सकता है उसके लिए आकर निरीक्षण करके और जो बेटर हो सकता है वो बेटर करने की कोशिश करें। ये ब्रिज काफ़ी समय से बन रहा है, अभी तक उसकी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अगर ये बन जाता तो ये दिक्कत नहीं आती। नहीं, ब्रिज भी बहुत जल्दी बनेगा, मैं लगातार इस पर नज़र रखा हुआ हूँ और संबंधित अधिकारी से चर्चा भी करूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही जो इसमें दिक्कतें वो दिक्कतें दूर होगी और खंडवा की नगर की जनता को ये ब्रिज की जो सुविधाएँ मिलना है वो सुविधा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी। भैया